तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे, खरीद होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप की। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मुख्तलिफ जो हमारे वजीर हैं वो रोज़ाना नए नए बयान देंगे और वर्ल्ड कप पर जो है वो खुलकर सियासत होगी। तो आज अता तारण जो है वो मीडिया पर आया। तारण जो है वो कल जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनसे जो है मुख्तलिफ बात की। उनका कहना था कि हमारा शायद प्रोग्राम है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाए। जैसा कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जो है वो वर्ल्ड कप एशिया कप सैफ चैंपियनशिप जो है वो खेलने गई और अभी हमारी हॉकी टीम जो है वो भी जाने वाली है वहाँ पर एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो शायद हमारी जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए है हम पाकिस्तान टीम को भेज दें। इसके अलावा उन्होंने जो है और भी बातें की, इमरान खान के मुतालिक बातें की कि स्पोर्ट्स और सियासत जो है मुख्तलिफ है। इमरान खान एक ग्रेट प्लेयर थे। इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम की जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ की और उनको विराट कोहली से जो है वो ऊपर रेट किया। इसके अलावा बात करते हैं 10 जून मतलब आज से जो है 10 जुलाई से जो है वो मीटिंग शुरू होगी, मतलब कि शुरू हो चुकी है बल्कि डरबन में, जो कि 5 दिन जो है वो मीटिंग रहने वाली है। वहाँ पर ज़का अशरफ और बाकी जो 3 मेंबर्स हैं मैनेजमेंट कमेटी की जो है वो पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जो है वो डिस्कशन होगी वर्ल्ड कप के ऊपर और बाकी जो मामलात हैं, चैंपियन ट्रॉफी का मामला हो गया, वर्ल्ड कप का मामला हो गया, 2024 का वर्ल्ड कप का मामला हो गया। तो वहाँ पर जो है वो अब खुलकर बातें होंगी। BCCI के जो सदर हैं वो भी वहाँ पर होंगे, जय शाह, और पाकिस्तान जो है वो अपने मुतालबात जो हैं या पाकिस्तान के अब सारा सेटअप चेंज हुआ है। नजम सेठी तो पहले मान चुके थे कि हम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं, तो अब नजम ज़का अशरफ जो हैं उनकी अपनी सोच है, उनके मतलब कि उनके अपने मामलात हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जो है वो इस टाइम पर सपोर्ट कर रही है PCB को। और शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट का यह मौका है कि आप जो है वो उनसे गारंटी लें चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक। अगर वो चैंपियन ट्रॉफी की गारंटी देते हैं तो फिर जो है वो आप वर्ल्ड कप खेलने के मुतालिक जो है हम सोच सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाइकआउट करने का भी सोच रखा है और ऊपर से ICC ने भी कह दिया है कि अगर पाकिस्तान जो है वो शिरकत नहीं करता वर्ल्ड कप में तो हम जो है वो तीसरी टीम स्कॉटलैंड को जो है वो शामिल कर लेंगे और इससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा। और अगर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाइकआउट करता है तो फिर चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान भूल जाए। तो अब ये मामला जो हैं वहाँ पर जो 5 दिन मीटिंग होने वाली है वहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो मामलात हैं वो वहाँ पर होंगे और बातें होंगी ज़का अशरफ के दरमियान, BCCI के जो चेयरमैन हैं उनके दरमियान और एशिया कप के मतलब भी बातें होंगी कि आप जो है वो जैसे कि एशिया कप मामला भी चल रहा है तो वहाँ पर जो है तमाम मामलात जो है सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ जो है वो ज़का अशरफ अपनी मौक़िफ़ उनके सामने पेश करेंगे और वहाँ पर जो मामलात हैं वो तय पा जाएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी। अब देखते हैं कि आने वाले दिन में कौन सी जो है वो डेवलपमेंट होती है सारे मामले के ऊपर। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।